नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। मैं साहिल हाजिर हूं आपके सामने इस खास शो पांच के प्राइम टाइम के साथ। तो पांच के प्राइम टाइम में आज का मुद्दा है कोरोना की तीसरी लहर से पहले तैयार इंडिया। देश में कोविड-19 महामारी की तीसरी लहर की आशंका जताई गई है और कहा जा रहा है कि नई लहर में बच्चों के ज्यादा प्रभावित होने की आशंका है। हालांकि इससे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए देश भर में युद्ध स्तर पर तमाम तैयारियां की जा रही हैं। इसी कड़ी में पीएम मोदी भी अधिकारियों के साथ मीटिंग कर जरूरी दिशा निर्देश दे रहे हैं। खासकर बच्चों के लिए जरूरी स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था पर जोर दिया जा रहा है। बच्चों को टीकाकरण अभियान में शामिल करने के भी लगातार प्रयास हो रहे हैं। साथ ही अलग अलग राज्यों की सरकारें भी अपने अपने स्तर पर तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयारियां कर रही हैं। तो कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए बेहद जरूरी है सही जागरूकता और सही प्रयास। और इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ डॉक्टर्स का पैनल भी जुड़ेगा। तो आइए आपको अपने मेहमानों से रूबरू करवाते हैं। डॉक्टर अखिलेश चौधरी, नेत्र रोग विशेषज्ञ, हमारे साथ जुड़ेंगे। साथ ही साथ डॉक्टर जेस्तु सेनापति, जो कि दिल्ली एम्स में चिकित्सक हैं, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। तो आप दोनों ही डॉक्टर्स का बहुत बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी में। सबसे पहला सवाल मेरा अलकेश जी आपसे रहेगा। जिस तरीके से लगातार देखने को मिल रहा है कि जो कोरोना का स्तर था वो काफी हद तक अब नीचे आ गया है, कैसे देखते हैं इसे और किस तरीके की तैयारियों को श्रेय देना चाहेंगे आप? एक तो सबसे बड़ा हमारा जो हेल्थ सिस्टम है जी, बाकी किसी भी देशों से आप कंपेयर करेंगे, हमारा बहुत स्ट्रांग है। हमारे जो वॉलेंटियर्स नेटवर्क है वो बहुत स्ट्रांग है। और इसके अलावा हमने जो बेड्स क्वारंटाइन के लिए भी अरेंज करे, जैसे हमारा स्टेडियम्स उनको कन्वर्ट कर दिया, जहाँ जहाँ हमें जगह मिली हम कन्वर्ट कर सके। और हमारे डॉक्टर्स का नंबर होता, डॉक्टर्स बहुत ज्यादा है जो केयर करने में काफी सक्सेसफुल रहे उनको, तो और उनको गाइड करने में, इसके अलावा वॉलेंटियर्स को गाइड करते रहे हम उनको कैसे मदद करनी है। और थर्डली जो हमारा लॉकडाउन रहा, अब देखिए अप्रैल से मई तक पूरा लॉकडाउन होने की वजह से किसी भी तरह का जो हमारा एक ब्रेक हो जाता है एक आदमी से दूसरे आदमी में ट्रांसमिट होने से, उससे रुक गया। तो ये सारे फैक्टर्स मिलके, ऐसे में अपने एक कलीग से बात कर रहा था तो वो कह रहे थे अगर ये ऑस्ट्रेलिया वगैरह में ऐसी कंट्री में इतना महामारी एकदम से फैलती तो शायद वो कंट्री पूरा कलेप्स कर जाता। उनका हेल्थ सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है जितना हमारा है। इसके अलावा वैक्सीनेशन देखो, वैक्सीनेशन भी हमारी कंट्री में सबसे पहले शुरू हुआ हेल्थ वर्कर्स का हुआ। हालांकि ये बहुत डेडली वायरस था, इससे लोगों को इन्फेक्ट भी बहुत हुआ, पर आप देखो कैसे सक्सेसफुली अब हम कंट्रोल कर पा रहे हैं जी। और नंबर हमारा कितना तेजी से गिर गया है जी। डॉक्टर जेत्सु सेनापति जी भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। सर आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से देखने को मिल रहा था कि दूसरी लहर ने काफी कहर बरपाया था, लेकिन अब जिस तरीके से सरकार के प्रयासों की अगर हम बात करें या लोगों में जिस तरीके से जागरूकता बढ़ी है और लगातार देखने को मिल रहा है कि लोग भी अब प्रयास करने लगे हैं इस संक्रमण को कम करने में, और सरकार की तरफ से भी लगातार पुरजोर कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इस संक्रमण को पूरी तरह से खत्म किया जा सके, लेकिन अभी भी कई जगहों पर देखने को मिल रहा है कि जो संक्रमण है वो अपने पैर पसार रहा है। हालांकि खुशखबरी यही है कि जो संक्रमित मरीजों का आंकड़ा था वो तेजी से गिरता हुआ अब नजर आ रहा है, और जिस तरीके से पहली लहर को हमने मात दी थी उसी तरह से अब दूसरी लहर को भी यहां पर मात देने की कवायद लगातार देखने को मिल रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहता हूं कि दिस इज स्टिल टू अर्ली टू सेलिब्रेट। ठीक है, लास्ट टाइम हम लोगों ने काफी सफलता अटेन किए थे, 3-4 महीनों के अंदर नंबर्स कम होने लगे थे, बट कोई भी एक पैंडेमिक में जो एक वायरल एयरबोन पैंडेमिक होता है जैसे कि कोरोना वायरस की, पुराने इतिहास में भी आप जाएंगे तो इन्फ्लुएंजा के जो पैंडेमिक था 1918 में, तो आप देखेंगे ये कभी भी एक लहर या दो लहर में खत्म नहीं हो सकता जी। और पुराने के जो टाइम है उस टाइम में लोगों में इंटरेक्शन भी काफी कम होता था आज के दिनों के मुताबिक, एयर ट्रेवल नहीं थे, पॉपुलेशन डेंसिटी इतना नहीं था। तो फॉर एनी एयरबोन इन्फेक्शन जिससे पैंडेमिक हो सकता है, इसमें काफी सारे लहर आ सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपने भी कहा वो ये है कि जनता में जागरूकता। हमारी देश की आबादी 130 करोड़ है जी।
हालांकि हम वैक्सीनेशन में दुनिया में एक दो नंबर पे है इन टोटल वॉल्यूम, बट परसेंटेज पॉपुलेशन वैक्सीनेशन, परसेंटेज पॉपुलेशन दैट हैज बीन वैक्सीनेटेड, वो अभी भी काफी कम है और इसमें टाइम लगेगा। बट मैं उम्मीद रखता हूँ कि अगले एक दो महीने में जैसे ही प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन बढ़ जाएंगे, ज्यादातर लोगों में वैक्सीन पहुंच पाएगा। बट जनता में जो जागरूकता है वो रुकना नहीं चाहिए। इवन आफ्टर वैक्सीनेशन मास्किंग और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर सबसे महत्वपूर्ण है, और अगर हम ये दोनों चीज से लापरवाह हो जाए, हम इसमें लैक्स हो जाए, तो ये भारी मात्रा में वापस आएगा। अगर हमें पूरा पैंडेमिक को नीचे करना है तो ये कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर एटलीस्ट 2 to 3 years तक कंटिन्यू करना चाहिए, तभी ऐसे वायरस के खिलाफ हम लोग लड़ाई करके जीत सकते हैं। हॉस्पिटल्स बना के डॉक्टर्स को मोटिवेट करके बहुत लोग सामने आए हैं, इससे बड़ी अच्छी बात और कुछ नहीं हो सकता, और इसी के कारण बहुत लोगों की जान बची है। बट ये परमानेंट सोल्यूशन कभी भी नहीं हो पाएगा। फील्ड हॉस्पिटल्स बढ़ाना कभी भी परमानेंट सोल्यूशन नहीं हो पाएगा। परमानेंट सोल्यूशन होगा कि फर्दर वेव्स को रोका जाए, और फर्दर वेव्स को रोकने के लिए मास्क पहनना, सटीक तरीके से मास्क पहनना, क्राउडिंग प्रिवेंट करना, जो भी जरूरत ना हो ऐसे तरीके से इंटरमिंगलिंग एक्शंस को प्रिवेंट करना, और इसी से हम इस पे लॉन्ग टर्म सफलता पा सकते हैं। जी डॉक्टर सेनापति, अगर बात की जाए, जिस तरीके से आपने भी कहा कि 2 से 3 साल तक हमें सावधानियां यहां पर बरतनी होंगी, और लगातार देखने को मिला है कि इस महामारी को मात देने में सावधानियां ही यहां पर एक घातक हथियार साबित हुई हैं। जिस तरीके से अगर लोग सावधानी बरतते हैं तो उन्हें पैनिक करने की भी यहां पर ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लगातार देखने को मिला था कि काफ़ी पैनिक यहां पर लोग हो गए थे दूसरी लहर को लेकर, और काफ़ी ज़्यादा डर का माहौल एक बन गया था। लेकिन क्या कहेंगे आपकी, जिस तरीके से अब देखने को मिल रहा है कि जब लोगों में जागरूकता बड़ी है तो ये बीमारी भी घटती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। Exactly, ये उदाहरण तो आपके सामने है। अभी लास्ट 2 हफ्तों में कोविड का पीक जिस तरीके से कम हो रहा है, इसका सबसे इम्पोर्टेंट कारण है कि लोगों में जो जागरूकता आई है, लोगों में जो डर आया है कि हम अगर मास्क ना पहने, बिना कारण मास्क खोल के बाहर घूमे तो हमें कोविड हो सकता है। और इस बार इस लहर में इतने सारे मरीज हुए, बेड्स नहीं मिल रहा था, तो लोगों के मन में डर आया था, तो वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर वापस पहले के तरह करने लगे। बट मुझे डर इसी बात का है कि ऐसा ना हो कि आज से 1-2 महीने बाद जैसे ही कोविड के नंबर्स कम हो जाए, लोग वापस मास्क खोल के या मास्क नाक के नीचे लटका के बाहर ना घूमें, फिर हम फिर से अगले साल उसी जगह पे आ जाएंगे जहां पे आज है। और एक डॉक्टर होने के नाते मैं ये सबको बताना चाहता हूँ कि ये मास्किंग की जो बिहेवियर है, ये सिर्फ मैं और आप अकेले करने से नहीं होगा, सबको करना पड़ेगा। इट इज अ ऑल और नन प्रिंसिपल। अगर हम सबको ठीक तरीके से मास्क और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करें तो हम डेफिनेटली इस पैंडेमिक के उस पार तक पहुंच पाएंगे जी। और अगर नहीं करें तो ये बार बार स्रोत आता ही रहेगा। और क्योंकि हमारी देश की जनसंख्या इतनी ज्यादा है, पॉपुलेशन डेंसिटी इतनी ज्यादा है, ये हमारे देश को बाकी और मुल्कों के मुताबिक ज्यादा इफेक्ट करेगा। मास्किंग के साथ है वैक्सीनेशन, बट वैक्सीनेशन, अगर आप मुझे पूछे वैक्सीनेशन और मास्क इस दोनों के बीच में प्राथमिकता किसको दिया जाए, तो मैं बताऊंगा डेफिनेटली मास्किंग को। वैक्सीनेशन एक एक्स्ट्रा कवच है सुरक्षा के लिए, बट उसके पहले मास्किंग है जी। डॉक्टर अलकेश, जिस तरीके से लगातार देखने को मिल रहा था कि कोरोना का डर लोगों में था, और बेवजह का डर उसे कहा जा सकता है, क्योंकि लोग खुद लापरवाही बरत रहे थे। अगर लापरवाही ना बरती जाए तो जिस तरीके से डॉक्टर सेनापति ने यहाँ पर साफ तौर पर कहा है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ सावधानी ही एक घातक हथियार है जो इस संक्रमण को कम कर रही है, तो उसी तरह से अगर लापरवाही ना बरती जाए तो इससे घबराने की भी यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। उस बीच ब्लैक फंगस और वाइट फंगस और जिस तरीके से येलो फंगस के भी अब मरीज निकल रहे हैं सामने, इसको किस तरीके से देखते हैं आप? करता हूँ कि जितना भी इन्फेक्शन फैला है, आप देखोगे कोई भी घर शायद ही छूटा होगा जिस घर में ये महामारी ना गई हो। उसका कारण यही था कि हम लापरवाह रहे। लापरवाह के अलावा कुछ लोग हो गए कि डर गए, बहुत ज्यादा इतना डर गए कि उन्हें घर में किसी भी पूछ से कुछ भी ट्रीटमेंट ले लिया, लाइक स्टेरॉयड और नहीं डबल डोज ले लो, ट्रिपल डोज ले लो, बिल्कुल इस तरह से स्टेरॉइड, अच्छा ये काम नहीं कर रहा, उन्होंने कहा चलो ये इंजेक्शन लगा दो, वो लगा दो, तो बहुत ही जब सीरियस हो गए तो
दे स्टार्टेड गिविंग, मतलब इतना ज्यादा उन्होंने इंजेक्शंस और स्टेरॉइड देना शुरू कर दिया, तो बाद अपने शरीर में जो एक क्षमता होती है, इम्यूनिटी जिसको हम बोलते हैं, एक बीमारी से लड़ने की क्षमता, वो एकदम से डाउन चले जाती है ऐसे केसेस में जी। तो ये ब्लैक फंगस जो अभी जो आ रहा है, ये नहीं है कि आज का है, ये ब्लैक फंगस आज पैदा हुआ है, ये तो पहले भी था इंडिया में, ऐसी बात नहीं है कि पहले नहीं था। ये सॉइल में होता है, हमारे नोज में रहता ही है, पर जब हमारी इम्यूनिटी बॉडी की जैसे ही कम हो जाएगी तो ये हमारी पूरी बॉडी में अटैक करना शुरू कर देता है और पूरा फैल जाता है, ये नाक से हमारे ऑर्बिट में चला जाता है, साइनस से ऑर्बिट में, फिर सेरिब्रल, ये हमारा रूट होता है कि ब्रेन तक को इन्वॉल्व करता है, तो जब नीचे जाता है तो लंग्स को जब इन्वॉल्व करता है तो आदमी उसके बचने के चांसेस ऑलमोस्ट निल हो जाते हैं। तो ये बेसिकली ओवर ट्रीटमेंट। ब्लैक फंगस ऐसा नहीं है कि एक हर आदमी सोचे कि मेरे को अच्छा, मेरे पास आते हैं आंख दिखाने, उनको जस्ट एक माइल्ड रेडनेस होती है, रेडनेस कहते हैं, वो सीधा उनका डर यही होता है कहीं मेरे को ब्लैक फंगस तो नहीं हो गया जी। तो इतना डर भी जो है वो भी ठीक नहीं है वो, पर ऐसा नहीं है कि वो हम करें इसका, एम्फोटेरिसिन भी एक मेडिसिन होती है जो इस फंगस के अगेंस्ट काम करती है। हम आंख के अंदर भी कुछ हो जाता है तो उसके अंदर भी इंजेक्शन लगाते हैं जी, और फिर हम इंट्रावीनस भी दवाई देते हैं, बट ये दवाई इटसेल्फ बहुत टॉक्सिक है, ऐसा नहीं कि आप ब्लैक फंगस हो गया दवाई दे दी और उसके फिर अलग से साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो ये हमारी किडनी को, गुर्दे को काफी इफेक्ट करता है। तो ये चीजें जो हैं बेसिकली हमारी लैक ऑफ इम्यूनिटी एंड द ओवर ट्रीटमेंट, ये ओवर ट्रीट, जब दोनों चीजें हमारी ठीक रहेंगी, मान लो कोई डायबिटीज का पेशेंट है ऑलरेडी या कोई किडनी ट्रांसप्लांट का पेशेंट है, उसको कोविड हो जाता है तो ऑलरेडी वो लोग इम्यूनिटी उनकी बहुत कम होती है, तो उन केसेस में ये ब्लैक फंगस होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं जी। तो हमें यही सावधानियां रखनी है, पर ऐसा नहीं है कि जिसको कोविड होगा ब्लैक फंगस होगा, जब ये अपने जुडिशियल मतलब ढंग से ट्रीटमेंट करेंगे तो ये ब्लैक फंगस ऐसे कभी भी नहीं होगा किसी को भी जी। डॉक्टर साहब, इस चर्चा को हम जारी रखेंगे, फिलहाल यहाँ पर अपने दर्शकों को हम सुना देते हैं कि रणदीप गुलेरिया जो कि एम्स के डायरेक्टर हैं, उनका ब्लैक फंगस को लेकर क्या कुछ कहना। म्यूकर जो है एक फंगस इन्फेक्शन है जो मेनली सॉइल में देखा जाता है, एनवायरनमेंट में है, और इट इज़ नॉट अ कम्युनिकेबल डिजीज, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को वैसे नहीं फैलता है जैसे कोविड फैलता है। तो अगर एक व्यक्ति एक को जिसको म्यूकर माइकोसिस है वो और किसी व्यक्ति के साथ बैठा है तो ऐसा नहीं है कि उसको फंगल इन्फेक्शन उससे फैल जाएगा, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। दूसरा ये समझना ज़रूरी है कि ये जो फंगल इन्फेक्शन है 90-95% जो पेशेंट्स हैं जिनमें पाया गया है उनमें या तो डायबिटीज़ है या साथ में स्टीरॉयड यूज़ किया गया है। जिन लोगों को डायबिटीज़ नहीं थी या जिन लोगों को स्टीरॉयड नहीं दिए गया उसमें ये बहुत रेयरली देखा गया है, इट इज़ नॉट अनकॉमन। डॉक्टर सेनापति, आपने सुना जिस तरीके से रणदीप गुलेरिया जी ने भी ये कहा है कि इस जो ब्लैक फंगस है उससे घबराने की यहाँ पर किसी भी तरह से ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो इस तरीके का डिजीज़ नहीं है जैसे कि कोरोना एक दूसरे से संक्रमित जो मरीज़ थे उनसे किसी और को भी हो जा रहा था, लेकिन जो ब्लैक फंगस है उसका ऐसा नहीं है, कंटेजियस डिजीज़ नहीं है और वो एक दूसरे पर ऐसे फैल नहीं रहा है। तो लोग बहुत ज़्यादा पैनिक होते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे थे कि ब्लैक फंगस हो जाएगा, जैसे कि डॉक्टर अल्केश ने भी यहाँ पर कहा कि अगर हल्का सा भी आंखों में रेडनेस दिखाई दे रही है तो उनका सबसे पहला सवाल यही होता है कि क्या मुझे ब्लैक फंगस तो नहीं। तो इसको कैसे देखेंगे और लोगों से क्या कुछ कहेंगे आप कि किस तरीके की सावधानियाँ वो बरतें और इस ब्लैक फंगस से ना घबराएं। अभी प्रोफेसर गुलेरिया का आपने बाइट प्ले किया और अभी कुछ क्षण पहले डॉक्टर चौधरी ने भी ये बात बताया कि अनलाइक कोविड, म्यूकर जिसको ब्लैक फंगस के तहत बताया जा रहा है, हालांकि वो इट्स नॉट ब्लैक फंगस, म्यूकर इज नॉट कंसिडर्ड ब्लैक, ब्लैक फंगस अलग किस्म के होते हैं, बट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन हम इसको ब्लैक फंगस के तरह ही मानेंगे। म्यूकर एक मरीज से दूसरे मरीज तक फैल नहीं सकता, यह ऐसा संक्रमण होने वाला बीमारी नहीं है। तो लोगों के मन में जो ये डर है कि मैं अगर बाहर चला जाऊं मैं म्यूकर पकड़ लूंगा, कि मैं घर में किसी से म्यूकर पकड़ लूंगा, ये ऐसा नहीं होता है। अनलाइक कोविड में बिल्कुल ऐसा होता है, म्यूकर में ऐसा नहीं होता है। तो म्यूकर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है करेक्ट होस्ट। होस्ट मतलब हर मरीज में ये आप नहीं देखेंगे, राइट? जो डायबिटिक है, जिनको काफी दिन तक स्टेरॉयड मिला है,
जिनको क्रिटिकल इलनेस हुआ था, स्पेशली सीवियर कोविड हुआ था, जिनको इंट्यूबेशन की जरूरत पड़ा था, या फिर जैसे डॉक्टर चौधरी ने बताया पहले से ही उनको कुछ इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेटस है, जैसे कि किडनी ट्रांसप्लांट, और मैं क्योंकि एक ब्लड कैंसर विशेषज्ञ हूँ तो फिर हमारे डिपार्टमेंट में भी हम लोग बहुत सारे मरीज देखते हैं जो कैंसर के इलाज चल रहा है जिनको ये होता है. तो मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज कोट करना चाहता हूँ कि 3 दिन पहले एक सिस्टमैटिक रिव्यू जो मेडिकल लिटरेचर में सबसे हाईली एक्रेडिटेड एक किस्म के रिसर्च स्टडी होता है, उन्होंने 101 कोविड पेशेंट विद म्यूकर का अध्ययन किया था, जिसमें ऑलमोस्ट 85% इंडिया से थे, बाकी कुछ पेशेंट यूएस ईरान से थे, और उसमें भी देखा गया है कि इस 100 में से 80% मरीज जिनको म्यूकर हुआ था उनको अनकंट्रोल डायबिटीज थे, और 70% मरीज को हाई डोज स्टेरॉइड मिला था. तो हर कोविड के मरीज को म्यूकर हो जाएगा ये एकदम ही गलत बात है, बट जिनको अनकंट्रोल शुगर है, जिनको स्टेरॉइड मिल रहा है, बहुत हाई डोज स्टेरॉइड मिल रहा है शुगर की मॉनिटरिंग ना किए हुए, और जिनको पहले से ही कुछ और ऑर्गन के कॉम्प्रोमाइज स्टेटस है जैसे कि किडनी फेलियर वगैरह वगैरह, इनको म्यूकर होने की चांस ज्यादा है. तो ये इम्पोर्टेंट है सबको बताना कि बिना कारण आप लोग डॉक्टर के साथ सलाह ना किए हुए स्टेरॉइड्स मत लीजिएगा. रिपीटेडली एम्स के जो प्रोटोकॉल है, ये इंडिया के बाकी जो जैसे कि अभी वेलोर से भी इंडिया कोविड गाइडलाइंस आया, एम्स का जो प्रोटोकॉल है, ICMR का जो प्रोटोकॉल है, इसमें से बार बार ये बताया जा रहा है कि माइल्ड कोविड में स्टेरॉइड की कोई उपयोगिता नहीं है. ओनली इन सीवियर कोविड अंडर द सुपरविजन ऑफ अ डॉक्टर स्टेरॉइड देना चाहिए, क्योंकि स्टेरॉइड ऐसे ही आप नहीं दे सकते जी. उसमें कुछ मदद नहीं होगा और पाला उल्टा पड़ जाएगा, जैसे कि बाकी इन्फेक्शन के रिस्क बढ़ जाएंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं म्यूकर. तो ये जानना सबसे इंपॉर्टेंट है. नंबर वन, हर कोविड पेशेंट को म्यूकर की रिस्क नहीं है. दूसरा चीज, म्यूकर ऐसे नहीं फैलता है जैसे कोविड फैलता है. और तीसरा चीज, अगर आपको कोविड हुआ तो आप सेल्फ मेडिकेट मत कीजिए. आप किसी भी डॉक्टर के साथ आइदर टेलीमेडिसिन नहीं तो वीडियो कॉल करके उनका सलाह लेके फिर ही दवाई स्टार्ट कीजिए. जी, डॉक्टर अल्केश भी हमारे साथ बने हुए हैं. डॉक्टर अल्केश, जिस तरीके से डॉक्टर सेनापति ने यहाँ पर साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से लोग पैनिक यहाँ पर बहुत जल्दी हो जा रहे हैं चीज़ों को लेकर, जैसे कि कोरोना महामारी ने यहाँ पर कहर बरपाया, उसके बाद लोगों में एक डर का माहौल यहाँ पर बन गया, जबकि वो डर की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है. ज़रूरत है तो सिर्फ और सिर्फ सावधानी की. जनतंत्र टीवी भी यही कोशिश कर रहा है कि लोगों की जो ये पैनिक सिचुएशन है उसको कम किया जा सके और लोगों को ठीक ढंग से ठीक तरीके की जानकारी यहाँ पर मुहैया की जा सके. इसी के चलते हम ये खास पेशकश लेकर आए हैं. तो जानना चाहेंगे जिस तरीके से तीसरी लहर की बात यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है कोरोना संक्रमण को लेकर, और कहा जा रहा है कि बच्चों को ये ज़्यादा प्रभावित करेगा, तमाम तरीके की तैयारी भी युद्ध स्तर पर देश भर में चल रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? तीसरी लहर का जहाँ तक है वो जहाँ तक एक्सपेक्ट हम कर रहे हैं, मे बी इन द मंथ ऑफ नवंबर, नवंबर में एक्सपेक्ट किया जा रहा है, पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चों को ही होएगा. अभी भी आप देखिए, हमें इतना नहीं मालूम था कि ये कोरोना आएगा, सेकंड वेव इतना डेडली वायरस होगी, इतनी हैवीली म्यूटेंट होगी. अगर आप इसमें सेकंड वेव में देखें तो मोस्ट कॉमनली इफेक्टेड कौन लोग हैं, जो वर्स्ट इफेक्टेड है, एक फैमिली में अगर 5 लोग इफेक्टेड है, जो सबसे वर्स्ट इफेक्टिव है वो 35 to 50 की एज में जो है एज ग्रुप, वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है. और उसमें भी आप देखो कि मेल्स जो है वो सबसे ज्यादा बैडली इफेक्ट हो रहे हैं. तो ऐसी कोई स्पेकुलेशन हमारे पास तो नहीं थी कि कौन सा ग्रुप ज्यादा इफेक्ट है. अगर 74, 78, 80 वाले भी वो ठीक हो रहे हैं, पर ये आप देखोगे इवन डेथ रेट इन ग्रुप का ज्यादा हाई है, फैटलिटी मोर्टेलिटी हाई इस ग्रुप में. और ऐसा नहीं है कि भाई मेरे पास 6 साल के भी बच्चे हैं जो कोविड से अभी इफेक्टेड हुए सेकेंड वेव में. मैं बता रहा हूँ 6 साल से लेकर 14-15 साल तक मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो इस कोविड में इफेक्ट हुए. और ऐसा नहीं है कि थर्ड वेव सिर्फ छोटे बच्चों को ही इफेक्टिव होगी, जस्ट स्पेकुलेशन हैं. बाकी यूजली जो हमारी जितनी भी महामारी आई है उसमें सेकेंड वेव हमेशा सबसे स्ट्रांग होती है, थर्ड वेव उतनी स्ट्रांग नहीं होती जितनी सेकेंड वेव होती है जी. तो पर फिर भी उसका मतलब यही नहीं कि हम बिल्कुल बेखौफ हो जाएं. हमें डर थोड़ा सावधान रहना है, हमें एटलीस्ट 2 वेव से इतना लेसन जरूर ले लेना चाहिए, क्या क्या सावधानियां बरतनी है. खुलेआम आप मास्क उतार के भीड़ भाड़ में नहीं जाएंगे, लाइक हमारी बहुत सारी बिजी मार्केट्स हैं उसमें लोग खाने पीने में ऐसे घुस जाते हैं कि सड़क पे खड़े हुए 25 लोग खड़े हुए बिना मास्क के खड़े हुए हैं. तो उनमें से एक आदमी बहुत है
जो इन्फेक्टेड होएगा सबके सब लोगों को इन्फेक्ट कर देगा। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम इन सावधानी को जारी रखें, मास्क लगा के रखें, कभी भी हम क्राउडिंग वाले एरिया में ना जाएं। ऐसे नहीं कि आप क्राउडिंग में घुस गए, आपने गैदरिंग कर दी और हम सोशल डिस्टेंसिस को भूल गए, तो ये बहुत बहुत जरूरी है। अगर हम मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, ये दो चीजें भी अगर हम स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, आप देखेंगे थर्ड वेव हमारी बहुत बहुत वीक साबित होगी अगर आती है तो। और ऑफकोर्स हमने सब तरह से ऑलरेडी वैक्सीनेशन भी चल रहा है, बच्चों को वैक्सीनेशन दे रहे हैं, सबको वैक्सीनेशन दे रहे हैं। ये कुल मिला के वैक्सीनेशन से हमें ये फायदा होता है कि जो हमारा इन्फेक्शन होगा वो स्ट्रांग नहीं होगा, ज्यादा फैटल नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि हमें प्रोटेक्ट हो गए, हमें प्रोटेक्शन होगी। हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे भी हैं, दोनों वैक्सीन हो गई, उनका एंटीबॉडी टाइटर भी आया था, फिर भी वो इन्फेक्ट हुए कोविड से। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम प्रोटेक्ट हो गए, बट वैक्सीनेशन इज एडिशनल प्रोटेक्शन कि हमारा जो सिवेरिटी रहेगी डिजीज की वो कम रहेगी, उसकी फेटेलिटी कम रहेगी। तो ये हमें सारी चीजों का ध्यान रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग एंड द मास्क। और हम किसी से भी मिलते हैं ऐसे किसी को यू डोंट टेक फॉर गारंटेड, आपका घर में भी एक आदमी बाहर से घूम के आ रहा है, पता नहीं किस कंडीशन में आ रहा है, तो उसको भी सावधानी लेनी होगी। बाकी अपने घर वालों के लिए, अपने लिए नहीं तो घर वालों का ध्यान रखते हुए कहीं भी जाए मास्क लगा के जाए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, तो मेरे ख्याल में तो इतना हमारा खराब नहीं होगा। और ऑफ कोर्स इसके अलावा हॉस्पिटल आज की डेट में वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, इन सब के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं, उनके लिए तैयारियां भी पूरी हो गई हैं। गवर्नमेंट ने भी आप देखो कितने नए प्लांट्स लगा दिए। तो आई थिंक अगर थर्ड वेव आती है तो वी आर फुली प्रिपेयर्ड फॉर दैट, टू उसको हैंडल करने में हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी इस तरह से। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही कहा आपने कि जिस तरीके से लोग पैनिक कर रहे हैं, पैनिक करने से अच्छा है कि सावधानियां यहां पर बरती जाएं और जो तमाम मानक यहां पर कोरोना को लेकर बनाए गए हैं, जो तमाम गाइडलाइंस यहां पर जारी की गई है, उनका पालन यहां पर करना चाहिए। डॉक्टर सेनापति, जल्द से जल्द आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से लगातार देखने को मिल रहा है कि लोग पैनिक कर रहे हैं, चीज़ों को समझ नहीं रहे हैं, और अभी अगर हम बात करें तो दूसरी लहर में काफ़ी ज़्यादा नुकसान यहाँ पर झेलना पड़ा है पूरे देश को, लेकिन जिस तरीके से तैयारियाँ हो रही हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं, अलग अलग जगहों पर टास्क फोर्स की तैनाती भी यहाँ पर कर दी गई है, और बात की जाए तो बच्चों को भी वैक्सीनेशन अभियान से यहाँ पर जोड़ा जा रहा है, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेट किया जा रहा है, तो इन तमाम तैयारियों के लिहाज से तीसरी जो लहर आने की आशंका यहाँ पर जताई जा रही है, उसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, कोविड के साथ अब तक जितने भी एल्गोरिदम्स बनाए गए थे वो सारे एल्गोरिदम्स बहुत हद तक मैच नहीं किए थे जो एक्चुअल में हुआ था। सेकेंड वेव की जो तीव्रता है वो इतना सीवियर होगा, इतना जल्दी स्प्रेड होगा, इतना डेथ होगा, इतना केस फेटेलिटी रेट होगा, इसको पहले स्पेक्यूलेट नहीं किया गया था जी। तो अगेन आई वुड वॉन्ट टू रीटरेट कि इट इज बेटर टू बी सेफ देन सॉरी, बिल्कुल, एंड प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बिल्कुल। तो हालांकि हेल्थ सिस्टम में इम्प्रूवमेंट्स के लिए काफी इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं, ऑक्सीजन प्लांट्स बन रहे हैं, डॉक्टर्स और साइंस आगे जा रहे हैं, बट कोई भी नहीं चाहेगा कि मैं कोविड से आक्रांत होके हॉस्पिटल जाके फिर ठीक हो जाऊँ, सब कोई चाहेगा कि मुझे कोविड हो ही ना। तो अगर हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को एक बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से माने, प्लस जो वैक्सीनेशन के एडेड बेनिफिट है ये जब पेनिट्रेट करेगा हमारे देश को, देन आई थिंक हमारे नंबर्स थर्ड वेव में कम हो जाएंगे, ज्यादा लोग अफेक्टेड नहीं होंगे। बट अगर हम ये सब ना करें तो थर्ड वेव भी आ सकता है और उसके बाद जाके मल्टीपल वेव्स आ सकते हैं छोटे छोटे करके बहुत जगहों पे। जितने वेव्स आएंगे वैक्सीन वायरस के म्यूटेशन होने की चांस उतने ज्यादा हो जाएंगे और वैक्सीन की इफेक्टिविटी भी कम होते रहेगा जी। मैं फिर से ये दोहराना चाहता हूँ, जितने फर्दर वेव्स आएंगे उससे वैक्सीन का इफेक्टिविटी भी कम होते रहेगा जी। और वायरस की विरुलेंस, वायरस के कैरेक्टर में चेंज होते रहते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि फर्दर वेव्स को आने से ही रोका जाए जी। और उसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जी। मैं ये मानता हूँ कि इस बार का जो सिचुएशन हुआ इसके बाद जनगण ज्यादा जागरूक हो जाएंगे, बिल्कुल, बिल्कुल। हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स और गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा जागरूक हो जाएंगे, बट बहुत सारे इश्यूज पे अभी बहस हो रहे हैं, इज द गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबल, स्टेट या सेंट्रल, में इसमें नहीं जाऊंगा। बट आई वुड, मैं ये जरूर पूछना चाहता हूँ कि अगर हम लोग मास्क ना पहने,
अगर हम लोग 15-20 लोग एक साथ घूम रहे थे जैसे डॉक्टर चौधरी ने कहा, एक भी उसमें पॉजिटिव रहा तो बाकी 19 लोग पॉजिटिव हो जा सकते हैं। इसमें आप सरकार को कैसे दोष दे सकते हैं? यस, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर द गवर्नमेंट टू अपलिफ्ट द हेल्थ केयर सिस्टम, बट सरकार किसी के मुंह में जाके मास्क नहीं लगा सकता। जी बिल्कुल, योर हेल्थ इज योर ओन प्रायोरिटी। जी अगर आप उसको प्रायोरिटाइज नहीं कर पाएंगे तो आगे जाके दिक्कतें हो सकती है। और ये जो टाइम है हमारे देश में, दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड कि हमें ये सारे रूल्स फॉलो करना चाहिए। और सिर्फ हमारे लिए नहीं, तो घर में जो हमारे बुजुर्ग है, जो बच्चे हैं, जो किसी और बीमारियों से डील कर रहे हैं, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। बिकॉज शायद कोई नौजवान इस इन्फेक्शन के खिलाफ लड़ाई करके ठीक हो जाए, बट जिनको और भी हाई शुगर है, किसी को किडनी की प्रॉब्लम, लिवर की प्रॉब्लम, कैंसर है, वो शायद ना लड़ाई कर पाए इसके साथ। तो वी कैन नॉट बी सेल्फिश। जी चलिए डॉक्टर साहब, समय की कमी के चलते हमें इस चर्चा को यहीं विराम देना होगा। डॉक्टर अल्केश, डॉक्टर सेनापति, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर जिस तरीके से हमारा जो डॉक्टर्स का पैनल था, उनका भी यही कहना है कि हमें किसी भी तरह से घबराने की जरूरत यहां पर नहीं है और लापरवाही नहीं बरतनी। तो जनता की मदद के लिए जनतंत्र टीवी हमेशा तैयार है। अगर आप भी कोरोना काल में परेशान हैं और कोरोना काल में अगर आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी सामने आ रही है, अगर अस्पताल में इलाज आपको नहीं मिल रहा है, अगर आपको डॉक्टर्स की राय चाहिए, आपके शहर गांव में अगर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध नहीं है, व्हाट्सएप के जरिए अपनी परेशानी आप हम तक पहुंचाएं, मरीज का नाम, पता और फोन नंबर आप हमें भेजें, तो 8929938364 पर हमें व्हाट्सएप के जरिए आप मरीज का नाम, पता और फोन नंबर भेजें, जनतंत्र टीवी आपकी मदद करेगा। तो साफ तौर पर जिस तरीके से ये चर्चा हुई, उसमें भी हमारा जो डॉक्टर्स का पैनल था, उनका भी यही कहना था और जनतंत्र टीवी भी लगातार आपसे अपील कर रहा है कि किसी भी तरह की लापरवाही यहां पर ना बरतें। पैनिक करने की जरूरत नहीं है, यानी कि हमें घबराने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ सावधानी बरतने की जरूरत है। आप अगर घर से किसी कारणवश बाहर निकलते हैं तो मास्क का इस्तेमाल जरूर करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, साथ ही साथ किसी भी तरह की लापरवाही यहां पर ना बरतें, हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहें, सैनिटाइजेशन का यहां पर पूरा ख्याल रखें और कोरोना को मात देने में सरकार की भी मदद करें। तो फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।